तो देखिए ये है ब्रेड और ये है मलाई चाप का बैटर। तो देख सकते हो आप लोग कितनी मलाई है इसमें, देखो। तो देखिए मैंने ऐसे ऐसे कट कर लिए हैं गोल गोल शेप में, देख सकते हो आप लोग मैंने सारे कट कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, तो ये है पानी, नॉर्मली पानी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे डिप कर देंगे, ज़्यादा नहीं डिप करना है, सारे ऐसे डिप कर लेंगे। देखिए पानी में इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो कितने इसका सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए इसमें ये डाल देते हैं मलाई। तो देख सकते हो आप, देखो कितनी मलाई है इसमें, और मैंने थोड़ा सा ही दूध लिया है और इतनी अच्छी रबड़ी बन के तैयार है। सारी रबड़ी इसमें डाल देंगे, तो देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी लग रही है। और आप लोग ड्राई फ्रूट डाल सकते हो जितना आपको पसंद हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही सिंपल बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें सिर्फ किशमिश डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सिंपल ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है खाना। तो देखिए ये मेरी झटपट तैयार है मलाई, मेरी तैयार हो गई है। तो आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें, खाएं, और ओनली 10 मिनट में तैयार हो गई है मलाई चाप। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और एकदम मलाई की तरह है ये, सॉफ्ट बिल्कुल। मैं कट करके दिखाती हूँ, तो देख सकते हो आप लोग कि देखिए कि कितनी सॉफ्ट है ये, देखिए कितनी जल्दी ये टूट भी गई है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आपको ये जो रबड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी रेसिपी चाहिए आप तो कमेंट करिए, मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी। और देखिए ये मलाई है, तो कितनी अच्छी मलाई इसमें जमी हुई है, तो देख सकते हो आप लोग। और झटपट बनाएं ये मलाई चाप और इन्जॉय करिए, देखिए कितना सॉफ्ट है, और ये कितनी उठाने ही में ही टूट रहा है, और उठाने की मतलब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आप लोग। तो खाइए, इन्जॉय करिए आप लोग, और कमेंट करके बताएं।